उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चार धाम यात्रा शुरू हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदार नगरी पहुंचे हैं। इस दौरान जय केदार के जयकारों से केदार नगरी गूंज उठी है। सुबह 7:10 पर भक्तों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां मौजूद रहे। इस यात्रा का पूरे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत इसकी प्रतीक्षा रहती है और आज ये शुभ दिन आ गया। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से आज पहली पूजा यहाँ पर हो गई है और उसके बाद विधिवत रूप से दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं, पूजा प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा केदार का भव्य और दिव्य नव निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य 3 चरणों में यहाँ पूरे हो रहे हैं। हमारा प्रयास है आने वाले समय में जल्दी ये निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जल्दी यहाँ के लिए जो रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है वो भी चालू हो जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा बहुत कम समय में पूरी हो जाए। धामी ने चार धाम यात्रा शुरू होने के मौके पर अपने एक्स हैंडल से भक्तजनों को संदेश दिया। उन्होंने लिखा, जय बाबा केदार, आप सभी भक्तजनों का चार धाम यात्रा 2024 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी से अनुरोध है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने से बचें। हमारी सरकार द्वारा चार धाम आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बता दें कि कई सालों बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मंदिरों के कपाट एक साथ खोले गए हैं, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से शुरू होंगे। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भगवान शिव का पवित्र धाम है। हर साल यहां लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ की गणना भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार में भी की जाती है। केदारनाथ मंदिर में स्थापित ये शिवलिंग स्वयंभू है, इस वजह से ही मंदिर का महत्व अधिक बढ़ जाता है।